पॉलिटिकली भी करते हैं, सोशली भी करते हैं, लेकिन हम क्या लेकर के जाते हैं ये आपको पता है और हम मुझे पता है। कैडर कैंप क्या होता है? कैडर कैंप वो होता है कि जो आप यहां से लेकर के जा रहे हैं उसको जीवन में उतारने का काम करें। और यदि आप टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं तो मैं समझता हूं हमें ऐसे कैंपों में नहीं जाना चाहिए। मैं कैटराइज हुआ हूं और ये मेरी ड्यूटी बनती है, हमारे प्रोफेसर की ड्यूटी बनती है, हमारे सामाजिक जो लीडर है उनकी ड्यूटी बनती है कि आप लोगों को भी कैटराइज किया जाए। और इसीलिए दिन रात न देखते हुए यात्राओं पर यात्रा करते हुए हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं ताकि हम लोगों को, आप लोगों को हम कैटराइज कर सकें, गुरु रैपो के मिशन को हम आपके लोगों के बीच में दे सके। सामाजिक नेताओं के जो हमारे नेता रहे हैं उनके मिशन को आपके बीच में हम ला करके आपके आपके अंदर डाल सके। इसलिए मेरे जैसे व्यक्ति डॉक्टर साहब हैं, संदीप जी हैं, हमारे डीडी साहब हैं, ऐसे व्यक्ति जो पूरी टीम है, ये कैटराइज लोग हैं। ये लोग जो हैं मैं समझता हूं हजार साल लग जाते हैं ऐसे लोगों को पैदा होने में। और एक व्यक्ति को पैदा करना, कैटराइज बनाना बहुत मुश्किल है। मैं बात में बात करूंगा थोड़ी अपने विषय से। हम बात करें लोकतंत्र में बहुजनों पर अल्पजनों का शोषण क्यों, कैसे और कब तक। साथियों, ये जो हमारा भारत है और इसमें बहुजन जो रहने वाले बहुजन थे वो कभी गुलाम नहीं। आज से 5000 साल पहले इस देश के अंदर मेसोपोटामिया, रोम, सुमेर, अक्कद जो कि पूरे विश्व के अंदर एक महान सभ्यता के रूप में पनप रहे थे और उनमें से हमारे देश के अंदर भी इनके समकालीन एक सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता। हमारे बीच में प्रोफेसर साहब बैठे हैं, हिस्ट्री के हैं और आप लोग भी मैं समझता हूं बहुत सारे लोग हिस्ट्री जानते होंगे, पढ़ी होंगे। और हमारे नगर, हमारी गलियां, हमारी सड़कें, हमारा शासन सुव्यवस्थित था। और यही नहीं, 18वीं शताब्दी का जो लंदन है वो भी उतना उन्नत नहीं था जितना 5000 साल पहले हम उन्नत थे। चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे वो हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ में आलमगीरपुर हो, चाहे वो हरियाणा में मिथाधन बनावली हो, चाहे वो गुजरात के अंदर लोथल हो, चाहे वो राजस्थान के अंदर रणपुर हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के अंदर मांडा हो और चाहे वो महाराष्ट्र हो, पूरे देश के अंदर हम शासन कर रहे थे और हमारी सभ्यता जो है वो पूरी उन्नत थी। रोम, मेसोपोटामिया, उमेर, अक्कद जैसे जैसे सिविलाइजेशन के साथ हमारे व्यापारिक संबंध थे, लेकिन हम शांति प्रिय लोग थे। और आज से 3500 साल पहले 1500 ईसा पूर्व कुछ लोग, कुछ आक्रमणकारी लोग हमारे बीच में आए और उन लोगों को हमने कहा आर्य। ये आर्य लोग हमारे बीच में आए और इन लोगों ने हमें धीरे धीरे अपना गुलाम बना करके जो है हमारे पैरों में बेड़ियां डालने का काम किया, गुलामी की बेड़ियां डालने का काम किया। और समय बीतता गया, समय बीतता गया और हमें ऐसा कर दिया कि हमारे गले में हांडी टांग दी गई ताकि इन लोगों का थूक धरती पे ना पड़ सके, ताकि धरती अपवित्र ना हो जाए। हमारे पैरों, हमारे पीठ के पीछे झाड़ू बांध दी गई ताकि ये चले तो इनके पैरों के निशान मिटते चले जाए।
एक कुत्ता झोड़ में पानी पी सकता था लेकिन हम पानी नहीं पी सकते थे। एक कुत्ता नगर में घूम सकता था लेकिन हम नहीं घूम सकते थे। जब हमें नगरों में घुसने दिया जाता था तो ढोल बजा करके अपनी चप्पलों को बजा करके लकड़ियां बजा करके हमें नगरों में आना पड़ता था। ऐसे हालात इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने, इस आर्य सभ्यता ने हमारा कर दिया। और यही नहीं साथियों, मुझे यह गुरेज नहीं होगा कहने में, जैसे जैसे समय बीतता गया कोई भी व्यक्ति कोई भी लड़का हमारी शादी करके लेकर के आता था, पहले 3 दिन जो है जमींदार के सामंत के घर में जो हमारी बहन बेटियों को रखा जाता था। ऐसे हालात इन लोगों ने हमारे किए हैं। और समय बीतता गया एक क्रांतिकारी पैदा हुआ, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। और आवाज भी कैसे उठाई, जब इनके फादर ने इनको स्कूल में डाल दिया तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था मनोवादी व्यवस्था के पेट में जो है मरोड़ उठने लगे कि ये शूद्र का बालक किस प्रकार से पढ़ रहा है, इसे नहीं पढ़ने देना है। इनके फादर साहब को कंपेल किया गया कि यदि आपने इसको स्कूल से नहीं हटाया तो आपको बहिष्कृत कर दिया जाएगा, समाज से निकाल दिया जाएगा, गांव से निकाल दिया जाएगा। और मजबूरी में इनके फादर ने इनको स्कूल से हटा लिया। लेकिन ज्योतिबा फुले एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे। भला हो उनकी मौसी का, जो कि एक अंग्रेज के यहाँ काम करती थी, उन्होंने उसको दोबारा से कॉन्वेंट स्कूल में डालने का काम किया। और किसी भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का जो है कोई सामना उन्होंने किया। और 13 साल की उम्र में इसके बाद उनके पिता ने उनकी शादी कर दी। सावित्री बाई फुले 9 साल की थी उस समय। और जब दोनों पढ़ाई भी कर रहे थे तो उसी समय ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कारण उनको घर छोड़ना पड़ा। घर छोड़कर के किराए पे रहने लगे। और किराए पे रहने लगे तो पहला स्कूल सावित्री बाई फुले जी का जो है उन्होंने खुलवाया। और यहीं से जो है पहली शिक्षिका हमारे देश की बनी सावित्री बाई फुले। और वो किस प्रकार से स्कूल में पढ़ाती थी ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। 3 साड़ियां लेकर के जाती थी अपने साथ, एक पहन करके जानी। जब मनुवादी लोग स्त्रियां उनके ऊपर गोबर फेंकती थी तो स्कूल में जाकर के उनको बदलती थी। इसी प्रकार से फिर दोबारा वापस आती थी, फिर उन पर टीचर फेंका जाता था कि इसको क्यों पढ़ाया, क्यों स्कूल खोल गया है। तो ये ऐसी व्यवस्थाएं परिवर्तन करने के लिए ज्योतिबा फुले ने मनुवादी व्यवस्था से टक्कर ली। और जब उनको एक बार अपने दोस्त की शादी से, ब्राह्मण दोस्त की शादी से बाहर भगा दिया गया तो उन्होंने प्रण कर लिया कि इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बदलना होगा। उन्होंने गुलामगिरी लिखी और गुलामगिरी में उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था की धज्जे उड़ाई। यदि आप गुलामगिरी पढ़ोगे तो मैं समझता हूं आपके अंदर इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हो जाएगा। और इसके बाद हमारे देश में दलितों के मसीहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ और उन्होंने जिस प्रकार से अपने स्कूल में एडमिशन लेने के वक्त ही इस जाति व्यवस्था को सहा, वो बड़ा दर्दनीय है। ये बड़ा दर्दनीय है जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, आप लोगों के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एडमिशन लेने के लिए गए तो टीचर ने मना कर दिया और उनको धक्का दिया।
और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पैड़ियों से नीचे गिरे और जब उठे तो उनका एक दांत टूट गया था। ये तो भला हो उस टीचर का कि उसने उनको एक शर्ट पे एडमिशन दे दिया कि यदि ये बालक स्वर्ण जाति के जहां लोग बच्चे चप्पल उतारते हैं यदि वहां बैठकर के शिक्षा प्राप्त कर सकता है तो मैं शिक्षा देने के लिए तैयार हूं, उसको एडमिशन देने के लिए तैयार हूं। मजबूरी में वहां बैठकर के उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और यही नहीं, नहीं से बाल कटवाने जाते थे, नहीं बाल नहीं काटता था, सुबह से लेकर दोपहर तक पानी पीने के लिए स्कूल के अंदर उनको पानी नहीं दिया जाता था। किस प्रकार की पड़ताल नहीं होने से ही है, किस प्रकार से 25 रुपए की स्कॉलरशिप लेकर के बाबा साहब लंदन अमेरिका पढ़ने के लिए गए। वो इसीलिए पढ़ने के लिए गए ताकि आप लोगों को और हमें ये जो बेड़ियां हमारे पैरों में गिरी हुई हैं इनको तोड़ सके। यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ना होते, यदि उन्होंने वो ना सहा होता तो शायद हम भी जो और प्रोफेसर है आज की तारीख में टीवी और बिल्डिंग में उलझे हुए हैं वो उसी में उलझ करके रह जाते, हम यहाँ पर जो है इस तरह से ना बोल पाते। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यही नहीं, लंदन से आकर के अपनी डिग्री पूरी करने के बाद भी उन्होंने ये सहा है, उन्होंने दुख दर्द सहा है, इन मनुवादी व्यवस्थाओं की जो बेड़ियां थी उसको सहा है। जब वो जज भी लग गए थे, वो प्रोफेसर भी लग गए थे, वो बहुत बड़ी कंपनी के परामर्श व्यापारिक कंपनी के परामर्शदाता भी बन गए थे, लेकिन इन मनुवादी व्यवस्थाओं को तोड़ने के लिए बाबा साहब ने इनको ठोकर मार करके आपके निर्माण को, समाज निर्माण को का जो है कार्य करने का काम किया। विडंबना यह है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को बढ़ाने के लिए हमारे गुरु रैपरों ने, हमारे सामाजिक नेताओं ने जो कार्य किया हम उसको भूलते जा रहे हैं। आप नहीं जानते एक व्यक्ति जो अनपढ़ फोर्थ क्लास व्यक्ति था, दीनाभाना वाल्मीकि जी, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को के मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया, जिन्होंने काशीराम जैसे कद्दावर राजनीतिक नेता को पैदा करने का काम किया, हम नहीं जानते इनके बारे में। दीनाभाना वाल्मीकि जी वो व्यक्ति हैं जो राजस्थान के अंदर पैदा हुए थे और अणक थी कि अणक जो है, अणक जो जिस व्यक्ति के अंदर होती है वो जो है ना तो किसी का बुरा सोचता है और ना ही बुरा जो है सह सकता है। दीनाभाना वाल्मीकि जी राजस्थान के अंदर पैदा हुए थे। मैं अपनी बात को शॉर्ट करते हुए, क्योंकि समय की विडंबना है, समय कम है, मैं अपनी बात को शॉर्ट करूंगा। दीनाभाना वाल्मीकि जी राजस्थान में एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे और जब उनके पिता, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।